ऐतिहासिक धरोहरों से खेलने वाले ये लोग अपनी जान से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूक रहे। सिर्फ सैलानी ही नहीं, यहाँ रहने वाले मासूम बच्चे भी रोज अपनी जान दांव पर लगाते हैं। इससे भी ज्यादा जोखिम उठाते हैं ये मासूम बच्चे, जो अपना पेट भरने के लिए दिन रात झील की लहरों में गोते लगाते हैं। मांडू की ये मानव निर्मित झील भी लोगों की आस्था का केंद्र बन गई है। जिस तरह किसी प्राचीन नदी में सिक्का फेंककर वे मुराद पूरी करने की अर्जी लगाते हैं, उसी तरह इसी झील में भी सिक्का फेंकते हैं। उस सिक्के को ढूंढने के लिए मासूम बच्चे तकरीबन दलदल बन चुकी प्रदूषित झील में कूदने से भी गुरेज नहीं करते, क्योंकि पेट की भूख जो ना करवाए सो कम है। इसी भूख को मिटाने के लिए इन मासूमों ने भी पानी को ही जिंदगी बना लिया है। यही इनका स्कूल है और दो वक्त की रोटी कमाने का जरिया भी। कुछ इसी तरह यहाँ के स्मारक भी बिखर रहे हैं। यहाँ के बाशिंदे ही इन इमारतों के दुश्मन बन गए। थोड़े से लाभ के लिए इन महलों के पत्थर निकालकर अपने घरों को मजबूत कर रहे हैं। ऐतिहासिक धरोहर से छेड़छाड़ का सिलसिला यही नहीं थमता। सिर्फ सैर सपाटे के लिए आने वाले सैलानियों के अलावा यहाँ रहने वाले लोग भी इन इमारतों के साथ छेड़छाड़ से नहीं चूकते। अपने आशियाने खड़े करने के लिए स्थानीय लोग नायाब धरोहरों को तोड़ने से भी नहीं चूके। बादशाहों के जमाने के मजबूत पत्थरों से वो अपने घरों की मजबूती बढ़ा रहे हैं। वो शायद ये भूल गए कि इन्हें देखने दूर दराज से लोग यहां आते हैं, और पत्थर के अभाव में खोखली हुई दीवार देश की सभ्यता पर कई सवालिया निशान खड़े कर जाती है। ये मांडू की मुख्य सड़क है। अमूमन इस सड़क के दोनों तरफ विशेष धरोहर देखने को मिलती है। हैरत होगी आपको ये जानकर कि सारे नियम और कायदों को ताक पर रखकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने इन धरोहरों को गाय और भैंसों का तबेला बना रखा है। ऐतिहासिक धरोहरों के बेजा इस्तेमाल की इंतहा है ये तस्वीरें। गाय भैंसों से भरा ये तबेला ऐतिहासिक नगरी मांडू की किसी डेरी का नजारा नहीं है, बल्कि ऐसे कई संरक्षित महलों के हिस्से में तबेले धड़ल्ले से जारी हैं। ऐसा नहीं है कि महल के इस हिस्से में पर्यटन वर्जित है। देसी सैलानियों के अलावा विदेशी सैलानी भी यहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। लेकिन जब पुरातत्व विभाग की आंखें मूंदा हुआ हो तो लोग भला कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने भी पुरा संपदाओं का उपयोग अपने हितों के लिए करना शुरू कर दिया है। कितने गाय हैं आपके पास? एक गाय है, एक केड़ी है, दो बैल है, तीन भैंस। कितना दूध देते हैं एक दिन में? 3-4 लीटर दूध दे। अच्छा, ये क्या है? ये सोयाबीन का गुच्छा है। सोयाबीन आता नहीं, ये सोयाबीन का जो छिलका है। हाँ, वो तो गाय खाती है। हाँ, खाती। तो यहीं पे आप साल भर ऐसी रखते? हाँ, यहाँ अंदर रख देते, यहाँ के जल जाते खवाड़ के। तो साल भर यहीं रखते? हाँ, साल भर। मांडू घूमने आए तो गाइड आपकी बड़ी ज़रूरत होगी। उनकी कहानियों में कितनी सच्चाई है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन रौब में कहीं कोई कमी नहीं है। मांडू की खूबसूरती और महलों को गहराई से देखना हो तो गाइड से ज़्यादा माकूल विकल्प नहीं हो सकता है। भले ही गाइड्स को मांडू के इतिहास की ABCD भी ना आती हो, लेकिन किस्से कहानी इनकी जुबानी बड़े ही रोचक होते हैं। एक गाइड करिए और ये समझिए कि आपके हाथ जादू की छड़ी लग गई है, जो महलों और पुरा संपदाओं के बीच आने वाले हर नियम को तोड़ने के लिए काबिल है। ये देखिए,
आम सैलानी जो कोसों दूर से चलकर आ रहे हैं। नियमानुसार उनकी गाड़ी पार्किंग के आगे नहीं जा सकती, तो वहीं दूसरी ओर ये दो कारें बिंदास रूपमती महल के मुहाने तक पहुंच रही हैं। जाहिर है ये गाइड्स का ही कमाल है। जब गाइड्स से बात की जाती है तो उनके तेवर कैसे होते हैं ये आप खुद देखिए। मांडू में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बीच बटी हुई हैं। इनके नियम मालवांचल के इस टापू के विकास में सबसे बड़ी बाधा बने हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो संरक्षित इमारतें हैं मांडू में, वो पहले 52 इमारतें थी। इन्होंने कोई आम नागरिक कंस्ट्रक्शन नहीं करा, इसलिए उन इमारतों की संख्या बढ़ा के 61 कर दी। 300 मीटर का दायरा रखा है उसमें। आम आदमी को इस प्रकार की कई प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, इसलिए आदमी थक जाता है और वो वैधानिक तरीके से कोई अनुमति ले नहीं पाता है। अगर आज एक आदिवासी का मकान अगर बारिश में गिर जाता है तो उसको निर्माण करने के लिए जब अनुमति के लिए जाता है तो जब तक उसको अनुमति नहीं मिलती है कि जब तक पूरा मकान धराशायी नहीं हो जाता। ASI के नियमों के मुताबिक इसके 200 मीटर के दायरे में कोई भी नया निर्माण नहीं किया जा सकता। उनकी अनुमति के बगैर रख रखाव का काम या बिल्डिंग एक्सपेंशन का काम संभव नहीं है। यही वजह है कि चंद होटल यहाँ चांदी काट रहे हैं और नियमों का माखौल भी यहाँ खुलेआम उड़ रहा है और विभाग खामोश है। तो सब अपने अपने प्रभावशील के हिसाब से सब ने अनुमति ली है और जिसका जैसा प्रभाव रहा उस हिसाब से वो काम हुआ। शाहदियाबाद के नाम से आबाद हुई इस नगरी में ये है गदा शाह की दुकान, जो उस जमाने में आज के शॉपिंग मॉल का एहसास करवाता था। इसी का एक और हिस्सा सड़क के दूसरी ओर भी हुआ करता था। उस हिस्से को तोड़कर अब यहाँ एक होटल तान दिया गया है। रानी रूपमती के नाम पर बनाए गए इस होटल में गदा शाह की धरोहर का हिस्सा होटल के मुहाने पर ही देखा जा सकता है। नियमानुसार होटल रूपमती की दूरी धरोहर से 100 मीटर पर होनी चाहिए, लेकिन आपको टेप से मापने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके ठीक सामने एक और धरोहर हुआ करती थी जिसके पिछले हिस्से को तोड़कर इस होटल का निर्माण कराया गया। क्या ये भूमि कांग्रेस विधायक को हेवानामा में मिली थी?